अगर आप भी अपनी वेबसाइट के आर्टिकल्स को गूगल के टॉप पोजीशन पर रैंक करवाना चाहते हो और भाई वहां से हजारों का जो ट्रैफिक आएगा उस ट्रैफिक को एडसेंस के साथ मोनेटाइज करके या फिर किसी अदर नेटवर्क के साथ मोनेटाइज करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में आप सभी लोग को बताऊंगा किस तरीके से आप सभी लोग 2 से 3 फ्री टूल का यूज करके इजिली अपने साइट के किसी भी आर्टिकल को जो है गूगल के टॉप पोजिशन पर रैंक करवा सकते हो और भाई वहां से अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और साथ ही अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी ही आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फिर भी कोई इस वीडियो में आपको कंफ्यूजन लगे, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। गाइस कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप सभी लोग को 5 प्रॉफिटेबल निशेस के बारे में बताया था, तो भाई वो वीडियो आप सभी लोग ने अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप किस निश पर वर्क करना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो भाई आप में से बहुत सारे बंदों ने अलग अलग निशेष के बारे में बताया तो उसी सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आज मैं ये वीडियो लाया हूं जिसमें आप सभी लोग को सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। किस तरीके से आप सभी लोग को हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स फाइंड करने हैं ताकि आप सभी लोग इजिली गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर जाओ और वहां से अच्छा खासा ट्रैफिक ले जाओ। क्योंकि भाई हर एक बिगिनर का जो मेन क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि हमारी साइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है और वो एडसेंस का अप्रूवल ले भी लेते हैं तो भी भाई वहां से अर्निंग नहीं हो पाती है। तो अगर इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देख लेते हो तो आप सभी लोग को कभी भी लो कंपटीशन कीवर्ड्स या फिर गूगल में रैंक कैसे करना है इससे रिलेटेड कोई भी एरर या कोई भी इश्यू नहीं आएगा, इसलिए भाई वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आप सभी लोग को डिटेल में समझाता हूं। तो गाइस सबसे पहले तो अगर आप सभी लोग ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो भाई इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए चलते हैं गूगल पर। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वहां पर सर्च करना है आप सभी लोग को गूगल कीवर्ड प्लानर। अब गूगल कीवर्ड प्लानर वन ऑफ द बेस्ट ऐसा कीवर्ड रिसर्च टूल है जहां पर आप सभी लोग इजिली कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब गाइस ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये जो टूल है वो गूगल का है और हम रैंक करना चाहते हैं वो भी गूगल पर ही रैंक करना चाहते हैं तो इसमें जितनी भी वैल्यू हमें बताई जाती है भाई वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग को कीवर्ड प्लानर सर्च करना है, देन इस लिंक पर आप सभी लोग को क्लिक करना है और यहां पर आप सभी लोग आ जाओगे। अब ये तो फर्स्ट टूल है जिसके बारे में मैंने आप सभी लोग को बताया। सेकंड कौन सा टूल है जिसका आप सभी लोग को यूज करना है वो मैं वीडियो में आगे चलकर आप सभी लोग को बताऊंगा। तो आप सभी लोग को यहां पर थोड़ा सा अगर ऐसा इंटरफेस ना मिलेगा आप सभी लोग को यहां पर साइन अप करना होगा। अब साइन अप करना बहुत ही ज्यादा सरल है, ठीक है, तो साइन अप आप सभी लोग कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहां पर डिस्कवर है, न्यू कीवर्ड पर आप सभी लोग को आना है, ठीक है गाइस। अब यहां पर जैसे ही आओगे आप सभी लोग को यहां पर जो आप कीवर्ड सर्च करना चाहते हो जिस पर रैंक करना चाहते हो वो कीवर्ड आप सभी लोग को यहां पर टाइप करना है। तो मैं आप सभी लोग को एग्जांपल के तौर पे यहां पर बता देता हूं लाइफस्टाइल। अब गाइस लाइफस्टाइल मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो मैंने कल यहां पर 5 आप सभी लोग को बताए थे प्रॉफिटेबल नीच उसमें जो सेकंड नंबर पर था वो था लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल एकदम बढ़िया सा कीवर्ड है जिस पर आप इजीली रैंक कर सकते हो। अब वो कैसे करना है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा और जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं उसको फॉलो करके जो कल मैंने 5 निशेस बताए थे उन पर भी सेम वर्क करके आप सभी लोग लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड कर सकते हो और कीवर्ड को फाइंड करने के बाद रैंक कैसे करना है उन कीवर्ड पर वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर मैं जैसे ही गेट रिजल्ट पर क्लिक करूंगा तो इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे सारे के सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी। अब यहां पर आप सभी लोग को बहुत सारे कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे जिन पर हमारा जो मेन कीवर्ड है उस पर आप सभी लोग देख सकते हो मतलब जो है 100K से 1 मिलियन तक ट्रैफिक है और अगर सीपीसी की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा है, एक क्लिक पर आप सभी लोग को अप टू $1.21 मिल सकता है जो कि काफी ज्यादा है, ठीक है, एक नॉर्मल कीवर्ड की तुलना में। तो यहां पर आप सभी लोग को ऐसा नहीं कि इसी कीवर्ड पर वर्क करना है, नीचे आप सभी लोग को बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे लेकिन मैं अभी इन कीवर्ड्स की बात नहीं करने वाला हूं। उससे पहले मैं आप सभी लोग को एक और बात बता दूं कि अगर आप सभी लोग को कीवर्ड जब आप रिसर्च करो तो वहां पर 1K से 10K तक भी आप सभी लोग को अगर कोई कीवर्ड मिल जाए तो भाई उसको भी नहीं आप सभी लोग को छोड़ना है, उस पर भी डेफिनेटली आप सभी लोग को वर्क करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी रैंक कर पाओ। क्योंकि अगर बड़े कंपटीशन वाले कीवर्ड पर जाओगे यानी कि जैसे जैसे अगर ट्रैफिक हाई होता जाएगा तो भाई कीवर्ड का जो मतलब कंपटीशन है वो भी हाई होता जाएगा। तो आप सभी लोग को शुरुआत में जो है लो कंपटीशन यानी कि जिस पर सर्च रिजल्ट्स कम है उन पर ही वर्क करना है। आप यहां पर देख सकते हो जैसे 1K से 10K सर्च रिजल्ट है तो ऐसे जितने भी रिजल्ट्स है आप सभी लोग उनसे शुरुआत कर सकते हो या फिर 10K से 100K तक जितने भी रिजल्ट्स है उनसे
से शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं कीवर्ड पर सर्च करो, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम सर्च करते हैं यहाँ पर सलमान खान लाइफ स्टाइल, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा रिजल्ट है। उसके नीचे आप सभी लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब जो है YouTube के वीडियोस भी रैंक है। और कल मैंने आप सभी लोग को यही बताया कि इन सारे टॉपिक्स पर आपको कहीं भी कंटेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली जो कंटेंट आपको YouTube पर मिल जाएगा और उसको देखकर आप सभी लोग अपने वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस कॉन्टेंट को। अब गाइस मान लीजिए आप रैंक करना चाहते हो सलमान खान लाइफ स्टाइल कीवर्ड पर, तो अब इसको आप सभी लोग को थोड़ा सा लो कॉम्पिटिशन में यानी कि थोड़ा सा बड़ा करना होगा, जिससे कि भाई इस पर जो है कॉम्पिटिशन कम हो जाए और आपका जो भी पोस्ट है वो जल्दी से जल्दी रैंक करना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए आप सभी लोग को करना कुछ नहीं है, जो गूगल के यहाँ पर नीचे आप सभी लोग को मतलब जो रिलेटेड कीवर्ड्स बताएंगे उन कीवर्ड्स पर आप सभी लोग को थोड़ा सा फोकस करना है और उन कीवर्ड्स का यूज करते हुए आपको इसको थोड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड में कन्वर्ट करना है, ताकि भाई आप आसानी से रैंक कर पाओ। तो जैसे अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर सलमान खान लाइफ स्टाइल कीवर्ड पर जाऊंगा तो मैं यहाँ पर रैंक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई मेरी साइट बिल्कुल न्यू है। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा लो कॉम्पिटिशन और मतलब जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड में, जिससे मैं जल्दी रैंक कर सकूं। तो इसके लिए यहां पर मैं लिख सकता हूं, अब अगर आप आर्टिकल हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप हिंदी लगा सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश लगा सकते हो। तो यहां पर मैं सलमान खान लाइफ स्टाइल इन हिंदी कर देता हूं। तो यहां पर आप सभी लोग देखिएगा कि इसके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट यहां पर काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, और ऐसे में यहां पर रैंक करना और भी ज्यादा सरल है। अब अगर यहां पर भी आप सभी लोग रैंक नहीं कर पाते हो, आपकी साइट बिल्कुल ही न्यू है, तो आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो। अब वो बड़ा कैसे करना है, तो यहाँ पर आप 2020 लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई सलमान खान की 2020 में लाइफ स्टाइल क्या है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो भाई YouTube के वीडियोस आ रहे हैं। अब YouTube के वीडियोस आने का रीजन यही है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसी एक साइट जो है वो रैंक नहीं कर पाई है फर्स्ट पर, ठीक है। तो इसीलिए जो गूगल यहाँ पर वीडियोस प्रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर और भी रिजल्ट्स कम हो गए जैसे आप सभी लोग देख सकते हो। तो अब अगर इस कीवर्ड पर आप सभी लोग वर्क करते हो तो इजीली रैंक कर जाओगे, छोटा मोटा SEO ऑन पेज SEO करते हो हल्का फुल्का, तो इजीली रैंक कर पाओगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर रैंक करने के लिए आपको एक और कीवर्ड का मतलब एक और टूल का यूज करना पड़ेगा, वो टूल मैं आगे जाकर बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी लोग को एक चीज और बता देता हूं, अब अगर आप बिल्कुल भी बिगिनर हो इस चीज में तो आपको ऐसे कीवर्ड्स पर वर्क नहीं करना है, ठीक है। शुरुआती डेज में इन तरीके के कीवर्ड पर यूज नहीं करना है, जो भी एक्टर है बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनके नाम के जितने भी कीवर्ड है उन पर वर्क नहीं करना, आपको छोटे लेवल से शुरुआत करनी है। अब छोटे लेवल से शुरुआत कैसे करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई बीबी की विंस लाइफ स्टाइल ये एक मतलब थोड़ा सा लो लेवल पर है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट आप देख सकते हो कितने, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रिजल्ट है, जो कि मतलब ये हर एक कीवर्ड के अलग अलग पर्टिकुलर इसके ऊपर ही नहीं है, बीबी की विंस लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर इस कीवर्ड पर भी आप सभी लोग वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा और लॉन्ग टेल करते हो तो भाई और भी ज्यादा आपके रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको भी अगर आप सभी लोग इन हिंदी कर देते हो, ठीक है, यहाँ पर इन हिंदी कर देते हो तो भाई आपके लिए और भी ज्यादा ये बढ़िया हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इन हिंदी में देखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 7 लाख से यहाँ पर 3 लाख रिजल्ट हो गए, और जो वीडियोज है वो वीडियो आना चालू हो गए। तो भाई इस कीवर्ड पर आप सभी लोग वर्क करते हो तो इजीली रैंक कर जाओगे। अब ये ऐसे ही अगर आप सभी लोग बीबी की विंस बायोग्राफी लिखते हो तो यहाँ पर सेम वे में आप बायोग्राफी कर सकते हो, या फिर बीबी की विंस सक्सेस स्टोरी इन हिंदी, तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो भुवन बम बायोग्राफी पहले ही मतलब गूगल ने कर दिया, तो सेम चीज आप यूज कर सकते हो। लेकिन इनको यूज करने के लिए भाई आप सभी लोग यहाँ पर नीचे जो गूगल प्रीफर करता है रिलेटेड सर्च, इन रिलेटेड सर्च का यूज जरूर आप सभी लोग करना। यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। सेम वे में अगर और बात करो तो यहाँ पर देख सकते हो भाई आशीष चंचलानी लाइफ स्टाइल, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हो 2 लाख यहाँ पर मतलब जो है रिजल्ट्स है, और इस पर आप सभी लोग वर्क करते हो तो इजीली रैंक कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा सब आपको यूट्यूब वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, कोई भी साइट यहाँ पर फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप आर्टिकल लिखते हो तो इजीली रैंक कर पाओगे। इसी तरीके से आप सभी लोग को अलग अलग अपना दिमाग लगाना है, जो छोटे लेवल पर लोग है जो सक्सेस है अभी उनकी सक्सेस स्टोरी डाल सकते हो, लाइफ स्टाइल डाल सकते हो, ठीक है। और ऐसा करोगे इनके काफी ज्यादा सर्चेस होते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा और भी बात कर तो यहाँ पर अमित बनाना लाइफ स्टाइल आप सभी लोग डाल सकते हो, जिस पर भी आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके नीचे अगर मैं आपको रिजल्ट्स यहाँ पर बताऊं, मतलब यहाँ पर और भी रिलेटेड सर्च बताऊं, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे अलग अलग कीवर्ड। तो इन कीवर्ड को भी इंप्लीमेंट करके आप सभी लोग लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड बना सकते हो। और अगर और भी मैं एक कीवर्ड और शेयर करूं तो यहाँ पर टेक्निकल गुरुजी लाइफ स्टाइल देख सकते हो, जिस पर भी 3 लाख रिजल्ट है, और भाई यहाँ पर वीडियोज देख सकते हो फर्स्ट पर आ
तैयार है, अभी तक कोई भी साइट यहाँ पर फर्स्ट पर रैंक नहीं कर पाई है, तो आप करा सकते हो अच्छा खासा यहाँ पर छोटा मोटा बैकलिंक बनाकर। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढ लोगे, लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड भी फाइंड कर लोगे, लेकिन उन कीवर्ड से आप सभी लोग को रैंक कैसे करना है, तो इसके लिए आप सभी लोग को एक और टूल की जरूरत पड़ेगी जिस पर आप सभी लोग देख सकते हो बैकलिंक चेकर। अब ये आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो RF टूल का जो बैकलिंक चेकर टूल है वो बिल्कुल फ्री है, तो आपको इस पर जाना है टूल पर। अब मान लीजिए आप यहाँ पर रैंक करना चाहते हो बीबी के विंस के बाय मतलब जो है लाइफ स्टाइल पर, तो यहाँ पर मान लीजिए ये देख सकते हो blogspot.com का यहाँ पर रैंक कर रहा है पोस्ट, तो मान लीजिए हम इस पर इसका इसकी बैकलिंक चेक करते थे भाई इसने बैकलिंक बना रखी है या नहीं बना रखी है। अब आप देख सकते हो भाई ये 2018 में इसने यहाँ पर डाला था और 2 साल से 3 साल से यहाँ पर रैंक कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ट्रैफिक इसने ले लिया होगा एक सिंपल सा कीवर्ड इसने लगाकर, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बैकलिंक चेक करूं तो वैसे इसने 0 बैकलिंक पर ये रैंक कर रहा होगा, तो यहाँ पर मैं इसके आर्टिकल का लिंक डालता हूँ, ठीक है। और लिंक डालने के बाद यहाँ पर चेक बैकलिंक पर क्लिक करता हूँ, तो चेक बैकलिंक पर यहाँ पर आपको एक कैप्चर फिल करना होगा, देन यहाँ पर इसकी जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई देख सकते हो न तो इसकी कोई डोमेन रेटिंग है ना कोई यूआरएल रेटिंग है, और 0 बैकलिंक पर यहाँ पर 2 साल से टॉप पोजीशन पर रैंक कर रहा है। तो ऐसे जितने भी कीवर्ड्स हैं उन पर बहुत कम जो ब्लॉगर्स होते हैं वो ध्यान देते हैं, तो भाई छोटे छोटे कीवर्ड्स का यूज करते हुए आप सभी लोग जो है टॉप पर रैंक करके छोटा छोटा धीरे धीरे ट्रैफिक ले जाकर अपनी साइट को ग्रो करवा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो जो विकिपीडिया का लिंक है वो भी नीचे आ रहा है। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर और भी ज्यादा जहाँ से सलमान खान वाला कीवर्ड कर यहाँ पर जो साइट रैंक कर जैसे ये फिल्म मीडिया है, तो भाई इसका देखते हैं कि इसने कितनी बैकलिंक बना रखी है और ऐसे कीवर्ड पर आपको रैंक करने के लिए कितनी बैकलिंक बनानी होगी। तो यहाँ पर मैं इसका यूआरएल टाइप कर देता हूँ और टाइप करने के बाद यहाँ पर चेक करते हैं कि भाई इसने कितनी बैकलिंक बना रखी है। इससे गाइज आपको आइडिया हो जाएगा, और आइडिया होने के बाद अगर इसने 10-15 बैकलिंक बना रखी है तो इससे ज्यादा अगर आप सभी लोग बना देते हो तो इजिली रैंक कर जाओगे। अब इस साइट की भी आप सही लोग देख सकते हो बिल्कुल कम रैंक, मतलब जो है यहाँ पर आप सब कुछ अपने सामने देख सकते हो। और यहाँ पर इस कीवर्ड पर आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई कितने यूजर्स इस कीवर्ड को सर्च करते होंगे और यहाँ से ये साइट कितना ज्यादा ट्रैफिक ले जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप सभी लोग एक भी बैकलिंक बना लेते हो किसी एक डोमेन से, तो भाई ये जो वीडियोस आ रहे हैं इन वीडियोस के हटकर आपकी साइट यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी, और जो भी यूजर सर्च करेगा सलमान खान लाइफ स्टाइल इन हिंदी डायरेक्टली वो आपकी साइट पर आएगा और अच्छा खासा ट्रैफिक यहाँ से वो आप सभी लोग ले जा सकते हो। तो ये थी हमारी कुछ कीवर्ड रिसर्च वाली वीडियो जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, हर एक कीवर्ड मतलब कमेंट का आंसर दूंगा। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया सक्सेस स्टोरी भी आप सभी लोग वे में मतलब जो है टाइप कर उन्हीं कीवर्ड के ऐसे लॉ कॉम्पिटिशन कीवर्ड फाइंड करके इन दोनों टूल का यूज करके इजिली रैंक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप सभी लोग को बहुत सारे कीवर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाती है, इन कीवर्ड का भी आप सभी लोग यूज कर सकते हो, लेकिन पहले आपको एक लिस्ट बनानी है 50 कीवर्ड्स की, ठीक है, और उन पर आर्टिकल लिखना है, देन वो आर्टिकल एक एक करके अपलोड कर लेते हैं, तो भाई आपकी साइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। और जो भी आप आर्टिकल लिखो, मैंने कल भी बताया था, खुद से लिखना, कहीं भी कॉपी मत करना, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, उससे पहले यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।